What's happening here? Neil, तुमसे ये expect नहीं किया था मैंने. So he was being rude to a girl. Then you should have come and talked to me about it. But sir, इसकी गलती थी. This is your first day in school, am I right? And you're going to tell me who's wrong and who's right? Exactly sir, मैंने यही समझा रहा था कि स्कूल में ये चीजें अलाउड नहीं है, spinners and all. और suddenly he came and started beating me. Beating? Stop lying. Neil, I'm sending a written complaint to your parents. उनके signatures लेके आना. Everyone, go to your classes. सबको कि इट वॉज माय मिस्टेक. नो यू नो यू आर राइट, गलती तुम्हारी है. मेरे फाइट के बीच में आना वाज योर मिस्टेक. कर लेती मैं हैंडल उस टफर को, बट यू हैड टू कम इन बिटवीन. ओ अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड. तुम्हें पूरे स्कूल के सामने सुपर हीरो बनना था, क्योंकि तुम ऑलरेडी हीरो तो हो ही. Do you know principal sir has always appreciated me? लेकिन आज, आज जिंदगी में पहली बार, 17 साल में पहली बार I had to go there for a freaking complaint, सानवी. आज तक dad के signatures अपने high score report cards पे लिया करता था, लेकिन आज, today I have to make him sign on a complaint letter. ओहो, अच्छा, अब मेरी help करने से अगर तुम्हारी miss down होती है, तो help की क्यों? Because I'm mad, I'm crazy about you, सानवी. Got your answer? ये जो तुम मुझे सबके सामने हीरो बुलाती हो ना, do you even know how much of hard work I have to do just to get that image right? दिन रात मेरे सीक्रेट सिर्फ मेरे हैं, and I can't believe it that I risked it all for you. It's not big deal यार, सबकी complaints होती है, हमारी भी तो कितनी हुई है. और वैसे भी नील को महान बनने की क्या जरूरत थी? हाँ ना, क्या जरूरत थी? हे हाय, तुम लोग फ्रेशर्स हो राइट? सो मे बी आई कुड शो यू सम प्लेसेस अराउंड लाइब्रेरी या सम कूल स्पॉट्स. वैसे आई एम अ लॉट इम्प्रेस्ड विद यू गाइस, तुम लोगों ने अच्छा मजा चखाया मानस को. वैसे यू नो योर यंगर ब्रदर राइट? हाँ. So why not hang out with us during lunch? और हाँ, दीप को भी इन्फॉर्म कर देना इस प्लान के बारे में प्लीज. No, it's okay. We're fine. Come. नील का टेंशन पाने के लिए ना रोज रोज डिफरेंट इयररिंग्स पहनने पड़ते हैं, पर वो मुझे नोटिस ही नहीं करता. एंड या दिस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, ऑल दिस फॉर नील. हे कैट सानवी, तू आज अलग क्यों लग रही है? ऐसा कुछ नहीं है. इयररिंग्स, तूने इयररिंग्स पहनी है. पूरी की पूरी लड़की लग रही है तू. तो क्या हुआ, सेंट मैरीज की सारी गर्ल्स पहनती है, इवन दैट नैना. To anyone.
चाहे नए फ्रेंड्स हो या पुराने, लेट्स ऑल एंजॉय द पार्टी, हैव फन। यू कांट बी डूइंग दिस। पर एक सीक्रेट बताओ। आई लाइक दैट व्हेन यू डू दैट। सो यू लाइक इट व्हेन आई होल्ड यू? आई लाइक इट, इसलिए वी कांट बी फ्रेंड्स। बट अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो आई वुड से नो। सानवी, सीधा घर चलते हैं। अंकल के सामने ज्यादा बात मत करना, अपने रूम में जाना। प्रॉमिस? क्रॉस माई हार्ट। हे सानवी, तेरा हेडेक अभी तक नहीं गया? हेडेक? हाँ, वो नील ने बताया तुझे लाउड म्यूजिक से कुछ हेडेक हो गया था। एंड सॉरी यार, मैं राशि के साथ थोड़ा बिजी था, बट आई विल पक्का मेक इट अप टू यू। मैं मॉम से ना हेडेक का क्योर भी लेके आया हूँ, दालचीनी का लेप ट्राई करते हैं। यश सुनना, आई हैव टू। हे राशि, कम ना। चल। मीट माय बेस्ट फ्रेंड सानवी, और सानवी ये मेरी न्यू फ्रेंड राशि। हाय। हाय, ही केप्ट टॉकिंग अबाउट यू यस्टरडे। तुम्हें पता है अभी मानस और नील लड़ रहे थे। उसमें क्या नया है, नील को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है फाइट करने का, फिर सामने कोई भी हो। यू गाइस कैरी ऑन, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, एंड या आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग फ्रॉम लास्ट नाइट। साइलेंस प्लीज। You're lying. Why will I? Because कल रात को तुमने मुझसे कहा था that you like me holding you. Just stop repeating what I told you. That means you remember. वैसे I would be happy to be your boyfriend. You know that's not possible, right? But why? School topper is acting all dumb now. Obviously यश को बुरा लगेगा। तो उसे नहीं बताएंगे यार। And you think मैं ये कर पाऊंगी? Like, अप्पी देखा कितना अच्छा झूठ बोल रही हूँ मैं। And yeah, हमारा एक पैक है, मेरा और यश का, no lie वाला, वो नहीं तोड़ सकती मैं। तो तुम उसे झूठ क्यों बोल रही हो? It's just that तुम उससे हाइड कर रही हो, और मेरे हिसाब से तुम्हारी फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। वैसे यू नो सानवी व्हाट टू डू, डोंट यू? आई डोंट। तुम्हारे लिए। यू आर द बेस्ट। बेटा तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारे लिए कमरे में ही ला रही थी। नो प्रॉब्लम मॉम, मैं यहीं बैठ के पी लूंगा। Fell in love with you just because तुम ये earring type लड़की नहीं हो। For me, you're much more than that। तुम मुझे impress करने के लिए तुम्हें ये earrings पहनने की जरूरत नहीं है। Wait, you love me? What do you think? Stop saying things like that. Thank you.
आंटी यश है? नहीं, वो तो स्कूल से ही चला गया बेटा। ओ अरे, अपनी नानी के यहाँ गया है ना, उसके कजिन्स आए हैं ना यूएस से, हम भी वहीं जा रहे हैं। तुम्हें बताया नहीं उसने? एक्चुअली मुझे होमवर्क में हेल्प चाहिए थी। नील है? हाँ बेटा वो है, एक्चुअली वो नहीं जा रहा है, उसका एग्जाम है ना, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है, अपने कमरे में है, चले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, उसको डिस्टर्ब मत करना। ओके अंकल, डोंट वरी। ओके। नील, मैं जा रही हूँ, सानवी से ठीक से बात करना हाँ, और उसे होमवर्क में हेल्प चाहिए तो प्लीज करवा लो ना। हाँ हाँ, सानवी। इतने जल्दी क्यों बुलाया? मम्मी के जाने तक का वेट नहीं कर सकते थे? तुम यहाँ इसके साथ?